जब हम फिल्मी दुनिया फिल्में देखते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया के सैर पे जाते हैं। ये दुनिया कभी हमें हंसाती है, कभी हमें रुलाती है और कभी हमें एक बहुत बड़े बदलाव की कारक भी बनती है। और ये सब संभव हो पाता है उस दुनिया में अभिनय कर सके लोगों के कारण। और एक ऐसी ही उम्दा अभिनेत्री आज हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की है। तो आइए बेहद खूबसूरत चेहरे से आपको कराते हैं रूबरू। और खुशकिस्मती हमारी कि हमारे साथ आज हैं इंद्राणी तालुकदार जी, जो कि एक अभिनेत्री हैं और बहुत ही उम्दा इनका कार्य है। तो सबसे पहले इंद्राणी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम। नमस्कार। तो अभी इंद्राणी से हमने आपकी मुलाकात करा दी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिर्फ इंद्राणी नहीं बल्कि दो खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। तो आइए मैं आपको लिए चलती हूँ हमारे दूसरे मेहमान के पास। और दूसरे मेहमान जो है हमारे एक नन्हे मुन्ने मेहमान हैं और इतने कम उम्र में जो उन्होंने शोहरत बटोरी है वाकई प्रशंसा के काबिल है। ये नन्हे मेहमान ना सिर्फ अपने लिए गर्व का कारण है बल्कि हम सभी बिहारियों के लिए भी ये गर्व का कारण है। और जब कैमरा इनकी तरफ रुख करेगा, इनकी तरफ मूव करेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कौन है। किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि बेहद कम उम्र में कई निजी चैनलों के प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में ये दिख चुके हैं और अपनी प्रतिभा का डंका बजवा चुके हैं। बेहद खुशकिस्मती कि इसी बिहार से हैं और इतने कम उम्र में इनकी प्रतिभा का जो पैमाना है वो वाकई हमें गौरवान्वित करने वाला है। तो आइए हम सब अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कार्तिकेय राज का। कार्तिकेय, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो अपने दोनों आज के खास मेहमानों से हमने आपको करा दिया रूबरू। तो चलिए करते हैं बातों की शुरुआत और आपको लिए चलते हैं इंद्राणी तालुकदार जी के पास। तो सबसे पहले इंद्राणी, जो सवाल हमारे जहन में आ रहा है वो ये है कि आखिर अभिनेत्री बनने का ये सपना कैसे? कहते हैं अभिनय एक ऐसा कीड़ा है जो काटता है, कीड़ा है, तो इस कीड़े ने आपको कब काटा, इसकी शुरुआत करते हुए? बेसिकली कहा जाए तो मैं बचपन से चाहती थी कि मैं अभिनेत्री ही बनूं, बट फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि कह नहीं सकते थे कि एक्टिंग में जाना है। तो मैंने लॉ की पढ़ाई की, आई एम ए लॉयर ऑल्सो। तो बचपन से ही था, कॉलेज के टाइम पे भी मैंने काफ़ी प्लेज में काम किया। फिर मेरी पहली फिल्म थी, एक भोजपुरी फिल्म थी, अकिया बसंत और सुरतिया, फीमेल लीड मैंने किया उस फिल्म में। उसके बाद कई हिंदी फिल्मों में मैंने काम किया है और 2015 में मेरी रिलीज़ हिंदी फिल्म थी लतीफ़, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, कादर खान के साथ, मुली शर्मा थे उसमें। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा जी। तो इस तरीके से ये अभिनय की शुरुआत हुई। और कार्तिकेय, अगर आपके पास आए, आपकी उम्र बहुत कम है और कैसे आखिर लगा कि अभिनय कुछ करना है, कुछ इस तरीके से? आपने कॉमेडी में बहुत अच्छा हाथ आजमाया है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई जरूर जानना चाहेंगे। मेरे से पहले मेरा छोटा भाई एक्टिंग करता था, मुझे शौक नहीं था कुछ भी करने का, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर मेरी मम्मी ने कहा कि जब तेरा छोटा भाई एक्टिंग करता है तू भी कर सकता है। फिर मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया, तो उसी से मुझे लगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। और मेरे गुरु रविभूषण वकुल ने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया और तभी से मुझे बड़ा होकर एक्टर बनना है। क्या बात है, अभी छोटे हैं तो भी आप एक्टर हैं और बड़े होकर डेफिनेटली एक्टर ही आपको बनना है। इंद्राणी, आपके पास आते हैं बचपन की वो घटनाएं जो आपने कहा कि बचपन से इच्छा थी, तो कभी क्या शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग वैक्टिंग ये सब भी किया बहुत, है? बहुत 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 मैंने तो शीशे के सामने खड़े होकर तो मैं काफ़ी एक्टिंग करती थी। फिल्में तो इतनी देखती थी, इतनी फिल्में देखती थी, एक एक फिल्म में पता नहीं कितने कितने टाइम देखती थी और शीशे के सामने डायलॉग डिलीवरी ये सारी चीज़ें। इवन जब मैं 4-5 साल की थी, जो स्टील की थाली होती है खाने की उसमें भी अपना फेस देखने लगते, कहीं पे भी शुरू हो जाती थी। बट ये था कि इतना कह नहीं सकते थे, क्योंकि एजुकेशन बैकग्राउंड की फैमिली थी मेरी, कह नहीं सकते थे कि अभिनेत्री बनूंगी। बट था, डेवलप तो बचपन से ही था। जब मैं मुंबई आई, मैंने LLB मुंबई से किया, तब से मैंने प्लेस करना भी शुरू कर दिया, TV सीरीज में काम करना शुरू कर दिया। बेसिकली फर्स्ट मेरी, जो मैंने बोला, भोजपुरी फिल्म से ही मेरी वापसी हुई जी। बिल्कुल, फर्स्ट भोजपुरी फिल्म थी प्लेस के अलावा जिससे आपने प्रॉपर अभिनय करने आपने कदम रखा था। बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही खास बातें हो रही हैं हमारे आज के दो मेहमानों से, लेकिन और भी इनसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। फिलहाल यहाँ दरकार एक छोटे से अंतराल की, कहीं मचाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार बिहार। हम बस यूँ लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल एक बार फिर से आप सभी का बिहार बिहार में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इंद्राणी तालुकदार जी और कार्तिकेय राज आज हमारे साथ हैं। बड़ी अच्छी बातें इनसे चल रही थी, फिलहाल आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं कार्तिकेय के पास और जानते हैं कि कार्तिकेय आप किलकारी से जुड़े हुए हैं और सामान्य बच्चों को शिक्षा देने के मामले में विभिन्न उनकी जो प्रतिभाएं होती हैं उसे निखारने के मामले में किलकारी का बड़ा ही उल्लेखनीय योगदान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? सबसे पहले तो बिहार पटना में ऐसा कहीं भी नहीं है, इससे बाहर कहीं भी नहीं है, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। किलकारी बिहार बाल भवन सबको छोटे छोटे बच्चों को सपोर्ट करती है, जो गरीब है उनको सपोर्ट करती है और मैंने किलकारी से बहुत कुछ सीखा है। मेरी शुरुआत किलकारी बिहार बाल भवन से ही हुई है तो जानकर बहुत खुशी हुई और सोचने में बहुत अच्छा लगता है। जी, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया मंच किलकारी के माध्यम से आप सबों को मिला। लेकिन अगर आपके मंच की आपने बात की तो फर्स्ट भोजपुरी फिल्म की आपने बात की उससे शुरुआत हुई, लेकिन ये भी कहा कि अपने फैमिली में लोगों को मनाना थोड़ा मुश्किल था, आखिर कैसे कन्विंस किया आपने उन सभी को? एक्चुअली वैसा भी नहीं था कि वो लोग बहुत अगेंस्ट नहीं थे, बट उनका कहना था उनके लिए नई चीज थी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में इस टाइप का कोई मतलब अभिनेत्री नहीं था तो मनाना थोड़ी सी मुश्किल थी। बट जो है पापा का कहना है कि जो भी करो अच्छा करो, जिस फील्ड में जाओ बट अपना जो है एजुकेशन कंप्लीट करो, एजुकेशन में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आना चाहिए, तो इसी हिसाब से मैंने मम्मी पापा को मना लिया। अभी फिलहाल तो अच्छे 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 मूवीज कर रही हूँ तो दे आर हैप्पी। बिल्कुल, आप अपने काम से ही लोगों को संतुष्ट कर लेते हैं तो फिर एक जो बोलने का जो बहाना रहता है लोगों का वो भी तरीका होता है। आपसे जानना चाहेंगे कार्तिक के बहुत सारे निजी चैनलों के बहुत अच्छे कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया है, कैसे वहाँ जाने का मौका मिला, कैसे वहाँ आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने ऑडिशन दिया था किलकारी में तो मुझे तो विश्वास ही नहीं था मेरा सिलेक्शन हो भी जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग उस समय बहुत ज़्यादा ली नहीं थी, मुश्किल से 2 महीने मैंने ट्रेनिंग की थी एक्टिंग का, तो उसी बीच पता चला कि ऑडिशन होने वाला है। किस फिल्म का? इंडिया स्प्लिट ड्राइंग एक्टिंग का, तो मैंने दे दिया, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन कोलकाता के लिए हुआ, फिर मैंने कोलकाता में भी दे दिया, फिर डायरेक्ट बॉम्बे के लिए हुआ तो फिर मैंने वहाँ भी दे दिया, तो वैसे करते करते रायबाज में गया। वहाँ जाने का अनुभव कैसा रहा आपका? काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वहाँ बहुत बड़ा मंच है और सबसे पहले मेरा कैमरा फेसिंग भी नॉलेज हो गया और अच्छा लगा। टीवी पे जिन बड़े लोगों को आप देखते हैं वो आपकी आंखों के सामने थे, जिन लोगों के बारे में आपने कभी सुना होगा उन्हें आप देख रहे थे, उनसे डायरेक्ट बातें कर रहे थे, बहुत कुछ सीख रहे थे, कैसा लगता था उन लोगों को अपने सामने देखकर? अच्छा लगता था क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर वो लोग बताते भी थे, जैसे मैंने पहले कपिल शर्मा शो किया था ड्राइंग वाच के बाद, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े अभिनय और अभिनेत्री आते थे तो मिलकर उनसे बहुत ही अच्छा लगता था। मैंने ऐश्वर्या जी से मिला था, उन्होंने बोला कि बेटा बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो और ये सब जानकर अच्छा लगा कि वो अपने खुद मुझे बोल रहे हैं। जी, उतने बड़े लोग हैं और उतनी अच्छी वो अभिनेत्री हैं, उतनी अच्छी अदाकारा हैं, अगर वो आपको प्रोत्साहित कर रही हैं तो ये वाकई बड़ी खुशी की बात है। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे इंद्राणी, जब फर्स्ट भोजपुरी फिल्म की आपने बात की, लेकिन आपका बैकग्राउंड आप गुवाहाटी से है तो कैसा बचपन था आपका, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? काफ़ी अलग था और इवन तो हिंदी में मैं प्लेज भी करती थी बचपन से ही, कॉलेज के टाइम से लाइक हिंदी में करती थी, तो हिंदी में तो काफ़ी कंफर्टेबल थी, बट भोजपुरी में बहुत अलग सा लगा। और उस दिन मुझे मीटिंग कराने के लिए मेरे जो मैनेजर थे वो लेके गए, और जो हिंदी उसमें 2 कैरेक्टर थे जो लीड हीरोइन थे, तो मुझे सेकेंड लीड के लिए एक्चुअली मैं गई हुई थी, जो कैरेक्टर हिंदी बोलती है, बट उन्होंने जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने बोला कि आप लीड के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो, बट लीड जो थी उसमें तो भोजपुरी बोलना ही पड़ता थ्रू आउट, उसकी ऊपर ही फिल्म थी, तो मैंने लेट्स ट्राई, मैंने डायलॉग्स बोले, उनको अच्छा लगा, फिर वो रोल फाइनल हो गया। उसके बाद वो बहुत ही अच्छी भोजपुरी फिल्म थी, फीमेल ओरिएंटेड थी, तो मुझे बहुत काफ़ी मुझे अभी भी मैं एक्सपीरियंस याद करती तो मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद तो काफ़ी हिंदी फिल्मों में मैंने एज ए लीड में काम किया
और अभी आ रही है मेरी फिल्म अपरिचित शक्ति। और मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी हिंदी ही नहीं, मैंने तमिल तेलुगु में भी किया। और बेसिकली मैं अभी जो पटना में आई हूँ मेरी एक माघी फिल्म के लिए, जो माघी लैंग्वेज में पहली फिल्म है देवेन में से, उसमें भी मैंने लीड किया है, जो कल रिलीज हो गई है फिल्म, तो इसी सिलसिले में आई हूँ। एक बड़ी उपलब्धि रही होगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है भोजपुरी का, और भोजपुरी ही नहीं एक और बिहारी लैंग्वेज मगही को भी आपने अडॉप्ट किया, सीखा, तो कितना मुश्किल रहता है, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है? इवन मुझे भोजपुरी तो काफी इजी लगी, मुझे स्क्रिप्ट में इतनी ज्यादा टफ नहीं लगा था, बट माघी लैंग्वेज रियली बहुत ही टफ लैंग्वेज है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ी। और जो हमारे डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिथिलेश जी, जो बहुत बड़ी हस्ती है थिएटर बैकग्राउंड के, तो उन्होंने मुझे एक प्ले दिया, देवेन मिसर के प्ले वो लोग ऑल ओवर इंडिया करते हैं, तो उन्होंने प्ले की एक सीडी दिया, उसको मैंने देखा, फिर जो लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट किया। जी, तो काफी होमवर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिस कितना करना पड़ता है आपको? जैसे कहती कि आपने, आपकी उम्र भी कम है, अनुभव भी आपका कम है, तो प्रैक्टिस से आप अपने आप को किस प्रकार से और मानते हैं, क्या कुछ करते हैं अपने आपको और बेहतर बनाने की? बहुत ही कम होता है, पर कभी कभार हार्ड, बहुत काम बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से ज्यादा नहीं, बस उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है, और काफी लोग सपोर्ट करने के लिए रहते भी हैं और बताते भी हैं, तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, बात कही कार्तिकेय ने कि इन्होंने थिएटर किया है, इन्होंने भी किया है बहुत कुछ, एक्टिंग के क्लासेस किए हैं, थिएटर आपने भी किया है, तो कितना आसान हो जाता है थिएटर करने के बाद फिल्मों में कदम रखना? बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि थिएटर में कितने सारे हजारों ऑडियंस के सामने आप डायलॉग डिलीवरी करते हो, वहाँ पर कट नहीं होता है, जो भी बोलना है फर्स्ट टेक में बोलना है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट रहा फिल्मों के सफर में, क्योंकि जो थिएटर की आदत लगी हुई है कि एक ही बार में बोलना है, कट नहीं करना है, तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है जो लोग थिएटर बैकग्राउंड से, उनके लिए फिल्में आसान हो जाती हैं। भोजपुरी फिल्मों में अमूमन काम करने के बाद आपके ऊपर एक भोजपुरी फिल्म का ठप्पा लग जाता है, लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसी इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन आपने एक भोजपुरी फिल्म करने के बाद फिर हिंदी की ओर आपने छलांग लगाई और काफी सारी हिंदी फिल्में की, तो ये मौका आपको कैसे मिला, कैसा अनुभव रहा उसका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और पहली हिंदी भोजपुरी फिल्म करने के बाद जो हिंदी फिल्मों में लोग कहते हैं कि नहीं मिलता है हिंदी फिल्म में, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो काफी हिंदी फिल्में मिली, और जो मेरी, मैंने जो भोजपुरी फिल्म की है वो प्रॉपर तरीके थप्पा वाली फिल्म तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्लासी भोजपुरी फिल्म थी, बहुत ही अच्छी बनाई गई थी वो फिल्म, तो बहुत अच्छे अच्छे हिंदी फिल्में मिली। उसके बाद भी मुझे, मैंने तमिल तेलुगु में भी काम किया, मेरी लैंग्वेज आसामीस में भी मैंने काम किया, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और मुझे लगता है कि एक्टिंग एक्टिंग होते हैं, अगली भाषा से उसको मतलब सीमित नहीं रख सकते। भोजपुरी आपने की है, साउथ की फिल्में की है, हिंदी आपने की है, इसमें जोबरी भी आपने की है, क्या बेसिक डिफरेंस हो जाता है अगर इन सब इंडस्ट्री की हम बातें करें, अलग अलग हैं, तो क्या आपको डिफरेंस महसूस हुआ? इवन डिफरेंस तो कुछ नहीं है, टेक्निकल हर चीज में, टेक्निकली जो फिल्में बनती है, कल्चर का डिफरेंस, और यही कल्चर का डिफरेंस जो होता है उन फिल्मों की खासियत हम कह सकते हैं, खासियत होती है। बड़ी अच्छी बातें चल रही है दोस्तों, लेकिन और भी अच्छी बातों से आपको रूबरू कराना बाकी है, फिलहाल हम रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार बिहार में, और आज हमारे साथ हैं इंद्राणी तालुकदार जी और कार्तिकेय राज जी, जिनसे बड़ी ही अच्छी बातें हो रही हैं। लेकिन कार्तिकेय, आपके अभिनय को हमने टीवी माध्यम के द्वारा देखा है और आज आप हमारे सामने हैं, तो जरूर चाहेंगे आपने कॉमेडी की एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों को दिखाएं। हमारे बिहार के एक बहुत ही अच्छे और बड़े अभिनेता हैं, जिनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, तो उनकी छोटी सी कुछ झलक। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, और बड़ी अच्छे तरीके से अपने नाम के साथ आपने किया, ये भी बड़ी खास बात है। यहाँ इंद्राणी आपसे जानना चाहेंगे कि एक खास मगही फिल्म जिसकी आपने चर्चा की थी देवेन मिसिर के लिए, आप पहली बार, दूसरी बार पटना आई हैं, तो कैसा लगा इस फिल्म में काम करने का अनुभव, किस तरह की फिल्म है ये? इस फिल्म में काम करने का अनुभव तो बहुत ही अच्छा लगा, ये देवेन मिसिर के, जो देवेन मिसिर है मिश्रा, उनका बायोपिक है,
तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं देवेंद्र मिश्र को मदर के कॉमेडी किंग कहा जाता है, तो उनकी जीवनी पर ये आधारित ये फिल्म है। और मैंने देवेंद्र मिश्र के जो वाइफ है पंडिता है उनका किरदार निभाया है इस फिल्म में। काफ़ी चैलेंजिंग रोल था क्योंकि मैं कहीं से भी रिलेट नहीं करती थी इस कैरेक्टर से। 200 साल पुरानी एक स्टोरी पर आधारित फिल्म, तो टोटली अलग सा गेटअप, बड़ी बड़ी बिंदी सिंदूर साड़ी, टोटली ऐसे इस टाइप का कैरेक्टर मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं था। तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए ये किरदार निभाना जी। और एक तरीके से कह सकते हैं नई चीज़ सीखने को भी मिले इस फिल्म के, मगही लैंग्वेज से भी आप रूबरू हुई। आपसे जानना चाहेंगे कार्तिक के जो एक कॉमेडी किंग कहे जाते हैं हमारे यहाँ के, बहुत ही उमदा कॉमेडियन हैं, उनके साथ भी आपको कपिल शर्मा के साथ भी काम करने का मौका मिला, कैसा अनुभव रहा उनके साथ, क्या कुछ सीखा आपने? सबसे पहले तो मैं पहले रियलिटी शो करता था, तो उन्होंने मुझे शो में देखा था, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि आप आओ हमारे शो में काम करो। तो मुझे तो विश्वास तो हो नहीं रहा था कि इतने बड़े वो कॉमेडियन है और एक्टर भी हैं। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी पूछताछ इंटरव्यू लिया, कहाँ रहते हो बेटा, क्या करते हो, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया। जब हम शूट पर जाते थे तो बहुत कुछ सिखाते भी थे, वो ऐसे करो वैसे करो, तो बिलीव नहीं होता था ये सब देखकर, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला कपिल सर से जी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कुछ वहाँ की अच्छी यादें जो आपको बहुत आपके दिल के करीब हैं, जिसे आप हमेशा याद करते हैं, कुछ ऐसी बात? जब मैंने एक एक्ट किया था ऐश्वर्या राय के साथ, तो शो के बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, डांस भी करते हो, जब मुझे डांस आता नहीं है, फिर वो उन्होंने कहा बेटा एक सेल्फी दोगे, तो मुझे ये सुनकर मतलब एक अजीब सा लगी, इतनी बड़ी अभिनेत्री मुझे सेल्फी मांगी है, तो मैंने बोला इस क्या बात है, और फिर आप लोगों ने साथ में सेल्फी ली, वाकई ये बहुत गर्व की बात है, ना सिर्फ आपके लिए कार्तिक है बल्कि हमारे लिए भी। लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मचाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार बिहार। बहुत सारे अनुभवों से हम गुजरते हैं, कुछ खट्टी होती है, कुछ बहुत मीठी भी होती है।